इस वक्त जो मस्जिद नबवी में असर और मगरब का दरमियानी वक्त है, इस वक्त लोग ज़्यादातर लोग जिनके होटल करीब होते हैं वो अपने घरों को अपने होटलों में चले जाते हैं और फिर वही लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं जिनके होटल दूर होते हैं, क्योंकि उन्होंने तीन नमाज़ें यहाँ पे इकट्ठी पढ़नी होती हैं, असर, मगरब और इशा। तो इस वक्त मस्जिद में कम लोग हैं, लेकिन जिस वक्त नमाज का टाइम तकरीबन करीब होगा पौना घंटा रह जाएगा, तो फिर यहाँ पे बिल्कुल जगह ही नहीं मिलती। अभी जो है वो लोग असर के बाद और मगरब का दरमियानी वक्त है और नमाज में तकरीबन डेढ़ घंटा है, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ अभी जो है ना वो सुकून है, वहाँ पे कुछ रश कम है। ये कौन सी मशीन है? हैं? ये एक मशीन है। अच्छा बेटा, ये कौन सी मशीन है? ये जो मशीन है इसका ये सेंट है। सेंट है और इसमें सैनिटाइजर है। अच्छा अच्छा, ये इसका जब पकड़ चलता है वो उधर लगी हुई है, ऊपर रिमोट से चल रही है वो लगी हुई है और फायर वाली पट्टियां लगी हुई है वो तीन सेंट। हां हां, तो अभी जो है वो लोग आना शुरू हो गए हैं और मस्जिद में जो है ना वो दोबारा रश होना शुरू हो गया। तो तकरीबन पौना घंटा पहले नमाज से यहाँ पे फिर बिल्कुल जगह नहीं मिलती और लोगों को फिर बाहर ही नमाज़ पढ़नी पड़ती है जो बाद में आते हैं, तो जो लोग पहले आते हैं वो जगह काबू कर लेते हैं। तो इस तरह ये मस्जिद जो है ये 24 घंटे खुली रहती है, यहाँ पे कभी रात होती नहीं है, हर वक्त ही दिन होता है। इस तरह लोग जो ज़्यारत के लिए आते हैं वो हर वक्त